दोस्तों, अगर आप लोग बाइक की एलईडी हेडलाइट अगर ऑनलाइन खरीदने जाते हो तो वो आपको मिलती है 500 से 700 रुपए के अंदर। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है उसके अंदर हम उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि आज की वीडियो में हम बाइक की एलईडी हेडलाइट बनाने वाले, वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपए के खर्चे में। सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ जावन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, अभी और ज़्यादा टाइम को हम लोग गंवाते नहीं है और ये जो लाइट है उसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहले तो मेरे पास ये वाली बाइक की हेडलाइट है और ये जो नॉर्मल सी हेडलाइट आती है वही वाली ये हेडलाइट है, ठीक है। और ये आपको कोई भी बाइक की जो गैरेज होती है वहाँ से आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों, ये वाली जो लाइट है वो आपको ख़राब वाली लेकर आनी है तो कोई भी गैरेज वाला आपको फ्री में ही दे देगा, जैसे कि मुझे दे दिया है। तो ये वाली जो हेडलाइट है वो 12 वाट की है, यानी कि आप इसे 12 वाट डीसी की मदद से आसानी से चला सकते हो। तो चले, मैं इसे ऑन करके भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास ये वाली 9 वाट की बैटरी है और ये वाला दोस्तों इसका कॉमन पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है वो इसकी हाई बीम का है। और दोस्तों, आपको जो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है ये वाला पॉइंट इसकी लो बीम का है। और ये वाली जो हेडलाइट है वो 35 वॉट की है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पावर को ये कंज्यूम करती है। अगर आप इसे बाइक की बैटरी से चलाते हो तो बहुत ही जल्दी आपकी बैटरी को ये डेड कर देगी। इसीलिए तो दोस्तों, जब बाइक स्टार्ट होती है तभी ये ऑन होती है। और ये लाइट की आगे की तरफ ये जो कांच वाला हिस्सा है वो हमें निकाल देना है, तो उसे मैंने निकाल के पहले से ही कुछ इस तरीके का हिस्सा जो है वो रेडी कर लिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए कि ये जो तीनों वायर आपको दिख रहे हैं उन्हें भी हमें निकाल देना है, तो उसे भी मैंने निकाल के छोटे छोटे पॉइंट यहाँ पर रखे ताकि हम उसे कनेक्शन कर सके। कनेक्शन करने के लिए मैं ये वाले पतले से इंसुलेटेड वायर का यूज कर रहा हूँ, ताकि ये वाला जो वायर है वो हमारी लाइट के अंदर दिखेगा नहीं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी वायरिंग करके सारे वायर जो है वो बाहर निकाल दिए। अब हमें इसका आगे वाला हिस्सा बनाना है, यानी कि एलईडी लाइट्स वाला हिस्सा। और उसी के लिए मेरे पास ये वाली एलईडी है 5 वॉट की, और ये जो एलईडी है इसके अंदर ये जो सारी एलईडीज आपको दिख रही है वो 1-1 वॉट की है। तो इन एलईडीज को निकाल के इसका हमें छोटा टुकड़ा कट कर लेना है कुछ इस तरीके का। और ये वाला जो टुकड़ा है इसके जैसे हमें 2 टुकड़ों की ज़रूरत होगी, तो दोस्तों ये वाले टुकड़े को भी काट कर हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। और ये दोनों हिस्से हमारे तैयार होने के बाद हमें इसके ऊपर एलईडीज को लगाना है। और एलईडीज के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ये वाली MCPCB का, जो कि हमारे एलईडी बल्ब में लगी हुई होती है। और ये जो एलईडीज होती है वो 9 वॉट से लेकर 10 वॉट की होती है, ठीक है। और ये 12 वॉट से भी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है। अब हम इन एलईडीज को इसके ऊपर लगाएंगे कैसे, और उसी के लिए दोस्तों मेरे पास ये वाली एलईडी रिमूवर प्लेट है, जिसकी मदद से आप एलईडीज को निकाल भी सकते हो और साथ में लगा भी सकते हो। और इसकी भी वीडियो मेरी चैनल पर मौजूद है, अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से देख सकते हो। तो जब ये प्लेट गर्म हो जाएगी तब MCPCB को इसके ऊपर रख के आसानी से इसकी एलईडी को निकाल सकते हो। और ये वाली एलईडी के पीछे की तरफ जब देखोगे तो छोटा वाला पॉइंट हमारा नेगेटिव है और बड़ा वाला पॉइंट पॉजिटिव है। और उसी तरीके से ये जो सारी एलईडीज है उन्हें हमें लगाना है। और ये वाले हिस्से के ऊपर एलईडीज लगाने से पहले इसके ऊपर ये जो कॉपर की प्लेटिंग आपको दिख रही है उसके ऊपर हमें थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग लगा देनी है, ताकि एलईडीज इसके ऊपर अच्छे से लग जाए। तो देखिए दोस्तों, हमारी एलईडी लाइट जो है वो रेडी हो चुकी है, और इसके ऊपर टोटल मैंने 6 एलईडीज का यूज़ किया है। और सेम तरीके से मैंने ये वाली जो दूसरी एलईडी है हमारी उसे भी रेडी कर लिया है। अब दोस्तों, इसमें फ़र्क दोनों में इतना है कि ये जो वाली पहली एलईडी है उसमें पॉजिटिव मैंने इस तरफ रखा है, और दूसरी वाली एलईडी में पॉजिटिव मैंने दूसरी तरफ रखा है। और ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये जो दोनों एलईडीज है वो एक दूसरे के पीछे लगने वाली है इस तरीके से, ताकि दोनों के ग्राउंड एक ही तरफ हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। अब हमें कुछ इस तरीके के एल्यूमिनियम की पट्टी जैसा हिस्सा ले लेना है, और ये जो एल्यूमिनियम है वो आपको थोड़ा सा मोटा लेना है, ताकि इसका यूज़ हम हीटसिंक की तरह कर सकें। और उसी में से मैंने ये वाले एल्यूमिनियम का टुकड़ा जो है वो कट कर लिया है, जिसके ऊपर की हमारी एलईडी जो कुछ इस तरीके से लग जाने वाली है ऊपर नीचे। अब दोस्तों, यहाँ पर देखिए, मैंने ये वाला जो है वो खांचा कट कर रखा है, क्योंकि हम पीछे की तरफ जो हीट सिंक लगाने वाले हैं उसमें ये फिक्स आ जाए। और एलईडी को इसके ऊपर लगाने के लिए मैं दोस्तों दोनों ही तरफ सोल्डिंग करके इसे लगा सकता था, लेकिन इसके ऊपर जो कॉपर की प्लेटिंग है वो दोनों ही तरफ है, तो अगर सोल्डिंग से हम इसे लगाएंगे तो हमारे एलईडीज के जो दोनों पॉइंट है वो शॉर्ट हो जाएंगे। तो उसी के लिए ये वाली एलईडी के पीछे की तरफ मैं थर्मल पेस्ट लगा रहा हूँ, ताकि हमारी हीट जो है वो ट्रांसफर होती रहे। और एलईडी को चिपकाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एरल डाइट का।
अब दोस्तों मेरे पास ये वाली हीट सिंक है जिसे कि मैंने बनाया, जो एल्यूमिनियम की पट्टियाँ होती है उन्हें मैंने छोटा छोटा काट कर इसे बनाया, ठीक है। और दोस्तों इसे आगे की तरफ और पीछे की तरफ मैंने एरल लाइट से चिपकाया और इसके सभी जॉइंट्स जो बीच में से है उसके बीच में मैंने थर्मल पेस्ट लगाया ताकि इसकी जो हीट है वो इवनली स्प्रेड हो। तो ये जो लाइट वाला हिस्सा है वो कुछ इस तरीके से लग जाएगा हीट सिंक के ऊपर, और इसके ऊपर भी मैं एरल लाइट लगा रहा हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। और जो गैप है एल्यूमिनियम की प्लेट और हीट सिंक के बीच में, उसके बीच में मैं थर्मल पेस्ट लगा रहा हूँ ताकि जो हीट है लाइट की वो हीट सिंक तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, हमारी एरल लाइट पूरी तरीके से सूख चुकी है और ये जो हमारी हीट सिंक है उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कलर कर दिया है ताकि इसका लुक जो है वो अच्छा हो जाए। और ये वाला जो हिस्सा जिसे कि हमने पहले से ही तैयार करके रखा है उसके ऊपर ये वाले हीट सिंक को हमें यहाँ पर लगा देना है, यानी कि चिपका देना है और इसकी वायरिंग कर लेनी है। और दोस्तों इसके कनेक्शन बहुत ही इजी है, जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को पॉइंट दिखा के रखे हैं ग्राउंड, लो बीम और हाई बीम के। तो जो ग्राउंड के कनेक्शन होंगे उन्हों को हमें दोनों ही के सेम कनेक्शन कर देने हैं, और जो ऊपर वाली हमारी एलईडी होगी उसमें हमें लो बीम का कनेक्शन कर देना है और नीचे वाली एलईडी में हाई बीम का। अब मैंने कुछ इस तरीके का सेल ले लिया है जिसका कि ये ऊपर वाला हिस्सा हमें निकालना होगा, और इसे निकालने के बाद हमारी लाइट के आगे की तरफ कुछ इस तरीके से हम चिपका देंगे। तो फाइनली दोस्तों ये वाली लाइट हमारी रेडी हो चुकी है, तो चले इसकी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं कि ये कितना लाइट फेंकती है। और इसे ऑन करने के लिए मैंने पहले जो बैटरी का यूज़ किया था वही बैटरी का मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारी लाइट चालू हो चुकी है और ये जो है वो इसकी हाई बीम है। आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से लाइट फेंक रही है, और ये वाली जो है वो उसकी हाई बीम है। तो आप देख सकते हो कि हमारी लाइट जो है वो कितनी अच्छी तरीके से चालू हो रही है। और दोस्तों इसकी असली टेस्टिंग तो अंधेरे में ही होती है, तो चले इसे अंधेरे में भी टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों इस लाइट को बाइक में लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हीट सिंक जो है वो आपको थोड़ी सी छोटी बनानी है, जो पीछे वाला हिस्सा आपको दिख रहा है उसके बराबर आपको हीट सिंक बनानी है, वरना आपको काटना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि मुझे काटना पड़ा है हीट सिंक को। और दोस्तों ये जो लाइट है उसे हमने स्पेशली बाइक के लिए ही बनाया, तो इसीलिए मैं इसे बाइक के अंदर लगा रहा हूँ। तो दोस्तों हम लोग अंधेरे में हमारी लाइट को चेक करने के लिए आ गए, तो हमारा बाइक जो है वो ऑन है, तो चलिए अब हमारी लाइट को ऑन करते हैं और देखते हैं। सो आई होप कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और ये वाली लाइट आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो बस आज की वीडियो में इतना रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।